कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देशहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। कोई मेरे से बहुत प्यार से गई, मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन अच्छे से गई। कोई इशू नहीं। हम तो अपने दर्द में अपने गम में अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे, उनका चल रहा था प्लानिंग क्या करना है क्या नहीं, वो जाने वो बेहतर बताएंगे। उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके ना चली जाए, ये मेरे अंदर की बात है, दिल की बात है। उनको डर होगा इसलिए वो इशू बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर दो पैसन आदमी पकड़े हैं तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर ना जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रख दिया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं। अच्छा लगा बेटे की वजह से हम इतना सम्मान बड़ा मिला। लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं पर एक बेटा जो मेरा करके गया है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सम्मान था और बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दर्द भी था और कुछ खुशी भी थी कि मेरा बेटा ये करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया है जो चार परिवारों को दुख से बचाया है। अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुशी दे के गया है, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, एक माँ ही लगा सकती है। और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है। जो माँ होती है उनको पता है इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। एक बड़ी बात है, बेटा गया उसके बाद जो सम्मान आपको मिला वो भी आज आपके पास नहीं है। मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहिए? मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई, मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन अच्छे से गई। कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं। कि हम तो अपने दर्द में अपने गम में अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे, उनका चल रहा था प्लानिंग क्या करना है क्या नहीं, वो जाने वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहा। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है, अंशुमान तो फौज के लिए बने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूंगी, तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रख, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। जब राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्मान मिल रहा था उस समय क्या कुछ चीज हुई, क्योंकि बताया जा रहा है उस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़ रहे?
इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके ना चली जाए, ये मेरे अंदर की बात दिल की बात है, उनको डर होगा इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर दो पेशेंट आदमी पकड़े हैं तो लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर ना जाए, उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी, पर आप देखे होंगे एक दो सेकंड मैं नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई, पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी, उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। आज बेटी की क्या कुछ यादें मौजूद है, कैसे सोचती है, कब एक माँ के लिए तो बचपन से ही जैसे बच्चे होते हैं, आज जितने दिन कुछ करके गए एक एक पल की बातें याद आती है, और वो मैं शायद मेरी सांस जब तक रहेगी खत्म ही नहीं होगा, वो पल बताने में खत्म ही नहीं होगा, कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कितने दिन में खत्म होगा, वो पल कभी खत्म नहीं होगा, मैं वही सोचती रहती हूँ कब क्या किए थे हम, कैसे मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी, वो हर माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज्यादा ही माँ बाप के प्यारे होते, माँ बाप के लिए होते हैं, तो वो शायद वो अकेला था। एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात करी, क्या कुछ बात हुई और कितना क्या एक्सपीरियंस था? उन्होंने बुलाया और मुझे अच्छा लगा कि बुला रहे हैं, दो दिन फोन आता रहा हमारे पास, नहीं टाइम था, तबीयत भी मेरी खराब हो गई थी, तो गए मिलने के लिए, बहुत सम्मान और मुझे संतावना देने के लिए ही बुलाए कि हम पूरा देश आपके साथ है और आपका बेटा इतना बड़ा काम करके गया है, कितने फैमिलियों की जिंदगी बचाया है, तो उसके लिए सम्मान के लिए ही बुलाए, बाकी तो फ्लो फ्लो में कुछ आदमी बोल ही देता है, अरे ऐसे ही कुछ जो भी चल रहा है, तो मैं अब उस पर नहीं चर्चा करना चाहती, पर वो मैं अपनी ओपिनियन थी, मैं अपनी ओपिनियन रख दी, बाकी उसका इशू नहीं बनना चाहिए, राजनीति नहीं चलनी चाहिए, ऐसे ही वो मेरे लिए एक गेस्ट के रूप में बुलाए थे, ऐसा कुछ नहीं था, गेस्ट के रूप में, और घंटों बात हुई थी, हमारे ही लिए बात हुई थी, और उसी में मैं अपना बात रख दी कि एक माँ बाप के लिए कुछ सोचिए जो ऐसे सिचुएशन में होते हैं हमारे जैसे।